आज आप सभी देखो एक और बार हमारे नए ताजे फ्रेश एनर्जेटिक ब्लॉग में। तो पहले तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे 1K कंप्लीट हो गए। बहुत खुशी है भाई, तो अलग ही टेस्ट आ रहा है 1K का। उसका स्पेशल वीडियो भी शायद अब तक अपलोड नहीं हुआ चैनल में, पर ये वीडियो आएगा तब तक तो वो ऑलरेडी हो गया होगा। और आज ब्लॉग शुरू करने का एक रीजन है कि ऑफ माई फ्रेंड जिसको कॉलेज में एडमिशन लेना है कुछ, उसने अहमदाबाद में 2-3 देखे और आनंद जा रहे हैं आज। तो मैंने कहा ये तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, अगर कोई बच्चे जो लोग देख रहे हैं उनको कॉलेज चाहिए तो फिर आनंद में हम जा रहे, तो फिर देख सकते हो एंड तक बने रहो उनके लिए भी, और जिनको कॉलेज नहीं करनी है तो भाई बकचोदी तो फुल होगी ब्लॉग में, तो एंटरटेनमेंट भी फुल होगा। ठीक है, तो एंड तक बने रहो, मिलवाते जो भाई साथ में जा रहे हैं। और आई गेस हाँ पहली बार आ रहा है बंदा हमारे ब्लॉग में, मजे काटते, मौज डालते, माहौल बनाते। ओके, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए कॉलेज। रास्ते में इतनी धूप, भयंकर धूप थी कि हमें व्लॉगिंग व्लॉगिंग करने का मन भी नहीं हो, आनंद घुस गए हम ये वो। सीधा है कॉलेज, कौन सा कॉलेज है? ADIT कॉलेज, पहला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारे सासद भाई जिसके साथ हम आए थे स्टार्टिंग में, मैंने बोला था गाइस, और बंदा हर ब्लॉग में बोलता, देखने के बाद बोलता था भाई मुझे नहीं ले रहे, मुझे नहीं ले, तो आज फाइनली ले लिया ब्लॉग में। तो इसका अचानक से कॉल आया था, मतलब चलो, तो मैंने कहा तुम्हारा भी काम निकल जाएगा, हमारा ब्लॉग भी निकल जाएगा और आनंद घूम भी लेंगे, घूम भी लेंगे। किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ हम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले। जिम गई बाजू, जिम जिम तो अब अभी जिम थोड़ी देखना है, जिम तो जाना पड़ेगा। और वो भी तुम्हारे भाई का ऐसे ही कलर लगा के चली गई। इन शॉर्ट है ना, ब्रेन वॉश तो आपका बहुत तगड़ा करेंगे, बहुत मतलब बहुत मतलब ऐसे ले लो मुंह पे फेंक के मारो फिर। यहाँ तक कि एक बंदा था कोई प्यून व्यून कुछ भी था, उसकी पोस्ट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। वो हमको हॉस्टल घुमाने ले गया, वो ऐसा ये कर रहा कि वो खुद लेक्चर अटेंड कर रहा है। भाई टीचर तो ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ा है, MS जैसी है, MS जैसी है। उसको क्या पता MS क्या कॉलेज है, क्या कलर करते हैं, कोई नहीं सह लेंगे। तो ADIT का रिव्यू कुछ ऐसा है कि दिखने में तो मजबूत कॉलेज है ना, बहुत मजबूत कॉलेज है। पहले हम लोग गए कुछ इंस्पेक्शन देते, क्या बोलते उसको, कुछ हम गए थे एडमिशन इंक्वायरी की, फिर हमने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ऐसा पहले कोई HOD से बात हुई तो हमें लगा ये बंदा बात करेगा, ये फीस है, ये टर्म एंड कंडीशन है, ये वो। फिर दो लोग आए, फिर चार लोग, फिर ऐसे आठ लोग आए, मतलब ब्रेन वॉश कर देंगे इन शॉर्ट आपका। इसलिए थोड़ा समझदार बंदा लाओ अपने साथ, बड़ा बुजुर्ग जो आपको सही सलाह दे। ठीक है, 2-3 लैब वैब ले गए, मतलब ठीक है, पर ये ऑप्शन अभी 2-3 जगह और भी जाना, कौन से कॉलेज जाना है, और 2-3 कॉलेज जा रहे हैं, MB पटेल कॉलेज, GH पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारी 16-13 कॉलेजेस है अंदर में। पर हम 2-3 निकाल करेंगे बेस्ट बेस्ट है ना, बेस्ट कॉलेज, टॉप 3 कॉलेज। इंजीनियर आनंद कोई कॉलेज ढूंढ रहे हो? इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद तो अकेला घुमाया बता नहीं, वरना मैं अहमदाबाद के भी बेस्ट कॉलेज आपको बताता, पर कोई नहीं, इंडस या सॉरी
आनंद के बेस्ट दो तीन कॉलेज कौन से फील्ड के? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल है, आईटी है, सब फील्ड। ठीक है, तो अभी निकलते तो पहले तो भूख लगे कुछ खाएंगे फिर दूसरी कॉलेज जाएंगे। यस, तो गाइस मिलते हैं, अब हम जा रहे हैं कुछ नाश्ता खाएंगे, भूख लग रही बहुत। कब से सुबह से निकले, दो तीन घंटे सब बैग में रखेंगे। और बता दे, और कुछ बता दे कि अभी हगने जाएंगे? नहीं, ऐसे शब्दों का यूट्यूब डल्ला। बाय द वे, इसका नाम है शाश्वत, पारुल का एक सेक्रेटरी, एबीवी का नगर महामंत्री। और क्या झूठ बोलना था? झूठ कुछ नहीं बोलना था। बता अपना इंट्रोडक्शन दे, क्या पता कोई लड़की पड़ जाए। भाई बहुत लोग देखते हैं, बहुत लड़कियां देखती है। गाइस, नाम शाश्वत है, पात्रा में मयंक का भाई। भाई रे दोस्त, भाई चल बोल बोल आगे बोल आगे बोल। आप बीटेक में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज घूम रहे, क्या कर रहे हैं घर वालों का? ये वो लोग होते हैं जो 10 के बाद डिप्लो कर देंगे, जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, फिर डिप्लो के बाद जॉब नहीं मिलती। नहीं, गलत बात है, जॉब तो बहुत है। कितनी जगह तू इंटरव्यू देने गया? सच बता, तेरी मम्मी की कसम है, कितनी जगह इंटरव्यू देने गया डिप्लो के बाद? और फाइनल डिसीजन तूने लिया, डिग्री कर लो। 2-3 जगह, और 2-3 जगह पर सबने चूज कर लिया था, सबने चूज किया था। 30 जगह इंटरव्यू देने गया, गलत बात है। 30 से 25 जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, क्यों बेइज्जती सहन नहीं हो रही? बेइज्जती है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि 10 के बाद 11-12 कर ले, मैंडेटरी है, 11-12 कर फिर डिग्री ले। नहीं भाई, बी पटेल कॉलेज कहीं जगह MBIT थैंक यू भाई। आप देख लो, अब हम दूसरे कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता कर लेंगे, बात मत बदलने पर। कहाँ थे अपने? आप देख सकते हो कि यहाँ बहुत धूप लग रही है, और लग रही है। अच्छा, सही नहीं है, और मरीज पागल है, भूल जाएगा जॉब नहीं मिल रही। आप एक बात बता दो, यहाँ का जो एटमोसफेयर है एकदम ओपी है, ओपी। अगर और एक दूसरी बात देखो, मैं बताता हूँ, प्राइमरी प्राइवेट स्कूल कॉलेज हो गई ना, वो सिर्फ एटमोसफेयर दे पाएगी, एजुकेशन नहीं दे पाएगी, ये फैक्ट है भाई। मानता है? मानता हूँ। MBIT पर आजकल पढ़ना किसको है, माहौल ही चाहिए भैया। अब सब जगह तो गाइड जाओ, दो चार लड़के साथ आए। एक चीज तुमने नोट की साथ, जब वो बंदा अपने को हॉस्टल घुमाने ले गया, ठीक है? ज्ञान अब आगे सुन, मेरी बात सुन, ज्ञान की बात नहीं। उसने रूम लॉक किया, रूम दिखाया, पर दो तीन बच्चों से अपने को बात नहीं करनी थी। क्या बताओ, बच्चे बोल खोल देगा भाई, हम खुद फंस गए भाई, 3 साल का फीस भर दिया, खत्म। अब कैसी चीज देखी है, अब हमने माहौल देखा है भाई। थोड़ा कैमरे में फेर लग रहा हूँ आप लोग, है ना? ये सिनेमैटिक आज थोड़ा महंगा है। तो तेरे को दो पार्टी देनी है, ठीक है? एक तो पार्टी थी कि मैं तेरे लिए इधर आया हूँ, अपना काम वाम छोड़ के। वैसे काम तो क्या ही था, पर फिर भी आया हूँ, टाइम भी है। तो कोई अगला देगा तो कोई इतना टाइम बता नहीं देगा। टाइम तो भाई वो भी नहीं देती थी हमें, ये तो क्या ही देगी। फिर तेरा 13 आया, उसका पार्टी फुल फॉर्म MBIT का, मधुबेन भानुभाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अंदर खाली कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। और पहले थे वो कौन सा था? वो ADIT, मतलब AD इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके अंदर सब ब्रांच है, कोर ब्रांचेस भी और नॉन कोर ब्रांचेस भी है। तो आप कहेंगे पर ये कॉलेज की हाई प्रोफेशनल कंप्यूटर साइंस वाला है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के लिए। तो ये बता पहले, उसके बाद कौन से कॉलेज जाना है भाई? इसके बाद जाना है GH पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मैंने अपने एडमिशन के लिए इतने धक्के नहीं खाए भाई, तेरे के लिए खा रहा हूँ। अब जा दो, अब भाइयों का प्रेम है भाई। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सोचा और एक कंप्यूटर इंजीनियर देखते हैं। एडमिशन इंक्वायरी मार्टन सर, तो 20 इंटरव्यू दिया, उसका क्या हुआ? और उसमें 20 में से 20 में से रिप्लाई है कि आप आओ सर। तो गए क्यों नहीं? पर फैमिली बोलती जॉब नहीं। अब ये MBIT कॉलेज न्यू का नाम है। दोस्तों मिलने वाला था, हाँ ना, कॉलेज अच्छे है। थैंक यू। रोज तो कॉलेज आएगा, तो रोज देंगे सर। उसने करके ऐसा पूछा क्यों भाई, कि आपको बॉयज हॉस्टल में रहना है? मतलब दो तीन कोई और है बहन भाई इसके लिए ना। उसका मतलब समझा गया तेरे को? बॉडी स्विमिंग की पता है तू बॉयज, तू लगता है कि नहीं लगता लड़के की तरह? बोला तो पूछा कि उसने बॉयज हॉस्टल में रहना है ना, इसमें कोई और ना हो? नहीं, डिलीट होगा। डिलीट तो नहीं, डलेगा भाई, डलेगा। अभी अपन वेट कर रहे हैं,
कोई हॉस्टल घुमाने ले जाएगा, हॉस्टल बॉयज हॉस्टल। दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेश लाए, जहां रंग बिरंगे दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं, ये शाम मस्तानी मत मेरे बाद किसको सताओगे, से किस तरह तुम मनाओगे, कुछ को बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे, चोरों के फरियाद करोगे, भूल गए गाइस, कोई ऐसा भाई चला ना आपने। प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में फर्क क्या, गवर्नमेंट कॉलेज वाला ऐसा तेरे को नहीं बोले आके भाई कि मेरे यहाँ एडमिशन लो, ये लो वो लो, है ना, वो तो भाई प्राइवेट देखो, जूस पहले जूस पिलाया फिर बात की। कौन से कॉलेज है? जीएच पटेल। तो अभी अपन आ चुके हैं जीएच पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सब वी CVM यूनिवर्सिटी के अंदर ही आती है, मतलब ये सबकी कोर ब्रांचेस कोर। तो आज के दिन की हम तीसरी कॉलेज एक्सप्लोर कर रहे हैं ना भाई, मेरे कॉलेज के लिए मैंने इतना घूम लिया होता तो अच्छी जगह एडमिशन मिल गया होता। अभी देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। कितना हरामी, तेरे काम से कोई बंदा आया हो ठीक है, अगला फोन में चार्जिंग हो रही है भाई। नहीं बात खत्म हुई मेरी, तेरे काम से अगला बंदा आया तो उसको भूखा रखेगा, खिलाएगा नहीं, खिलाएगा तो अभी खिलाया नहीं। सुबह क्या खाया ये घुघरा घुघरा, उसे पेट भरता है भाई। 11 बजे से तेरे साथ हूँ मैं, तो तेरे को ऐसा नहीं लगा अगले को भूख लगी हुई कि अच्छे होटल में खाना वाना खिलाए? क्यों ऐसा है, ऐसा तो अगली बार से तेरे साथ कोई आएगा नहीं भाई। बाल भाई कितने सेक्सी लगते रहे भाई, बाल काश तू भी ऐसा सेक्सी लगता। फोन क्या जैसा उनकी नहीं से थोड़ा मुंह का भी कमाल होता, देख तेरा भी अच्छा नहीं लग रहा, देख कैमरा में तो और गंदा लग रहा है भाई तू। कोई बात नहीं, खिला क्या रहा अभी बता? कुछ नहीं, कुछ ये कोई बात हुई जरी खिला दे वापस लगे ये खवाएगा भाई। तो डिसाइड कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने का किया? एक MIT या तो एक बोल एक क्यों करना है, क्यों करना है उधरी, क्यों करना है ऐसा? माहौल बहुत है अच्छा, पढ़ाई का भी स्कोप बहुत है। तेरा माहौल का मतलब समझ आया सबको भाई। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी। तो ये तीन बेस्ट कॉलेज जो हमने आपको रिव्यू करा है, अगर आप भी कहीं ढूंढ रहे हो कॉलेज तो एक बार विजिट कर सकते हो। चलो चिच्चा मिलते हैं, आए बोल दो व्लॉग में, आए बोल दो। चिच्चा शर्मा आ गया भाई। देखो तो ये बात कर रहे हैं अपने, ये तीन आनंद की बेस्ट कॉलेज है जिसमें आप विजिट कर सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ इधर एडमिशन ले लो, विजिट कर सकते हो, फिर आप पे डिपेंड भाई। सबसे बेस्ट तो मैं ऊपर बोलूँ, ये लोग को तारीफ ही करेंगे खुद की, कोई बुरा थोड़ी बताएगा कि हमारी कॉलेज खराब है। कॉलेज के स्टूडेंट से बोल लो, कॉलेज में जो स्टूडेंट्स है वो छूट रहे होंगे या कोई मतलब पुराना स्टूडेंट या कोई दोस्त हो तो बेस्ट रिव्यू मिलेगा ना, अपने भी कर सकते थे। दैट इज ऑल फॉर दिस व्लॉग, करते हैं ये एंड। लाइक कमेंट शेयर की तो भीख नहीं मांगेंगे, मैच्योर कंटेंट क्रिएटर है, बाकी आप कर देना अपने हिसाब से ठीक है। पीस आउट, पीस आउट बोलना चाहिए।